वालेकुम मैं हूँ अनीला शहज़ाद ग्लोबल उर्दू के साथ यूरोप में एक नया कॉन्फ्लिक्ट ने जन्म लिया है इसको पहले भी हमने रिपोर्ट किया है कॉसोबो और सर्बिया के बीच में एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट क्राइसिस अरइज़ हो गया है और ख़तरा ये है कि ये चीज़ जो है वो जंग की तरफ ना चला जाए और इस नई जंग के छिड़ जाने से लाजमी बात है कि यूरोप जो है वो डिस्टेबलाइज होगा लेकिन पहले भी इस चीज़ को कवर करने के बाद मुझे दोबारा इसको इसलिए कवर करना था क्योंकि ये जो एरिया है जो साउथ यूरोप है इसमें बहुत ज़्यादा मुसलमानों की पॉपुलेशन है जिससे हम लोग बाद नज़र में जो है वो बेखबर से होते हैं कि हमें ऐसा लगता है यूरोप है तो वहाँ पर सब अंग्रेजी हैं सब ही हैं वहाँ पर मुसलमान नहीं है लेकिन एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है यूरोप के अंदर स्पेशली साउथ यूरोप के अंदर मुसलमानों की तो उनका क्या हाल है और उनसे रिलेटेड जंगों के बारे में भी हमें थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव आज लेना है सबसे पहले तो ये मैं आपके साथ खबर शेयर कर रही हूँ कि सर्बिया ने ये कहा है कि उसकी जो फोर्सेज हैं वो कौसवो के बॉर्डर के ऊपर तैयार खड़ी हैं और कोई भी ऐसा हमें अगर बात समझ में आई अभी हमें अगर ऐसा लगा कि नेटो की जो पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ पर हैं कौसवो के अंदर वो फेल हो गई या उन वो हमारे सर्बियन बाशिंदों की हिफाजत करने में नाकाम हो गई जो कि सर्बियन बाशिंदे कुछ जो कौसवो के अंदर रहते हैं तो फिर हम बिल्कुल तैयार हैं और हमने अटैक कर देना है तो ये चीज़ अब मैंने पहले भी पॉडकास्ट में आपको बताई थी कि 2008 में आ, सर्बिया और कोसोवो दो अलग मुल्क बन गए थे मगर आ, सर्बिया ने उसके बावजूद नहीं माना वो अभी तक ये कहता है कि कोसोवो वो हमारा ही प्रोविंस है हम उसकी आज़ादी को नहीं मानते तो लिहाजा ये कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस और आ, इनके बीच में जो हार्ड टॉक है वो हमेशा चलती ही रहती है जो मैं आज आपको ये बात बताना चाह रही हूँ कि जो ये एरिया है साउथ ऑफ सदरन यूरोप का ये एरिया जो ऑस्ट्रिया और हंगरी और रोमानिया के नीचे के ये इलाके हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुसलमानों की तादाद है और उसकी वजह यह है कि जब ऑटोमन एम्पायर था तो बहुत अरसा जो है ओटमन ने इन एरियाज़ को जो है वो ऑक्यूपाई किए रखा यानी इनको यहाँ पे अपनी यानी हुकूमतें बनाए रखी और उस उनकी प्रेजेंस की वजह से बहुत सारे लोग जो है इस पूरे एरिया में जो है मुसलमान हो गए फॉर इंस्टेंस मैं आपको इस मैप से दिखा देती हूँ ये मैप से पता चल रहा है कि ये जो नीचे के एरियाज़ हैं और ये पूरी एक बेल्ट सी बन रही है ये पूरी ऐसी बेल्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है ये योग वाक़िया का मैप है एक्चुअली और ये जो मैप है आ, आ, ये ये जो पूरा रीजन है जो कि यहाँ पर कलर हुआ हुआ है ये सारा का सारा रीजन जिसमें अब तो बहुत सारे ममालिक हैं लेकिन नाइनटीन फोटीन जो आ, जंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसके नतीजे में ये हुआ कि यहाँ पर आ, क्योंकि ऑटोमन जो है वो ख़त्म हो गए ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो गया था तो उनके असर के नीचे जितने भी ये इलाके थे इन सब को मिला करके उन्होंने एक स्टेट बना दिया जिसका नाम उन्होंने योगो सला रखा लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर ये बहुत सारी डिफरेंट कॉमें रहती थी और बॉजनियज थे स्लोवाक्स थे और क्रोएट अलग येटीज़ हैं डिफरेंट एथनेसिटीज़ की ये जो कॉमी आबाद थी तो ये इकट्ठी नहीं रह सकी से सर्ब्स अलग थे और एल्बानियज अलग थे तो ये सब लोग जो है ये इनके बीच में इश्यूज uh, चल रहे थे बहुत uh, ये इकट्ठे uh, रहना इनका मुश्किल था और वही हुआ कि uh, 1998 uh, में इनके बीच में इश्यूज बहुत बढ़ गए कॉन्फ्लिक्स बहुत बढ़ गए और जंगों का एक सिलसिला शुरू हो गया जिसकी वजह से ये तमाम जो ममालिक हैं ये दोबारा से टूट करके अलग अलग मुल्क बन गए इसका एक छोटा सा टाइम uh, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीबीसी ने ये टाइमलाइन बनाया हुआ था के uh, 1918 में सबसे पहले योगस्लावाकिया का जो किंगडम uh, बनाया गया uh, 1918 में वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बाद जब ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया टूट गया उसके बाद 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो फिर यही जो किंगडम था इसको एक सोशलिस्ट स्टेट बना दिया गया यानी कि ये रशियन इन्फ्लुएंस या यू आर के इन्फ्लुंस के अंडर आकर के ये कॉम्युनिस्ट uh, इन्फ्लुएंस के अंडर आकर के ये एक स्टेट बन गया <coughs> और uh, इसके अंदर बोस्निया बॉस्या करोशिया मैसीडोनिया माउंटीगरू सर्बिया और स्लोवेनिया ये तमाम स्टेट्स इसके अंदर शामिल हो गए मगर जो है ये इनके अंदर अमन नहीं था इनके अंदर मुख्तलिफ एथनिसिटीज़, बिकॉज नेशनलिज्म आपको है, जितनी भी मूवमेंट्स हुई वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो फ्रीडम मूवमेंट्स दुनिया भर की हर ममालिक में हुई वो बेस्ड ऑन नेशनलिज्म थी यानी कि नेशनलिज्म मींस नेशनलिज्मी कि हम सर्बियन पीपल हैं हम क्रोएशियन पीपल हैं हम लाइक uh, अल्बानियन like, uh, uh, पीपल हैं तो इस बेसिस पे लोगों ने uh, अपने अपने इलाकों अपने अपने एरियाज को आज़ाद करवाया कि ये लैंड है जिसमें हम uh, uh, सदियों से रह रहे हैं और ये हमारा लैंड है और हम ये वाले लोग हैं तो इसी सिलसिले में जो स्लो, स्लोवानिया और क्रोएशिया के बीच में जो सबसे पहले कॉन्फ्लिक्टरज़ हुआ 1992 में जिसकी वजह से ये दोनों मुल्क इस यूबो से, से अलग होकर अलग मुल्क बन गए उसके बाद 92 में और मजीद कॉन्फ्लिक्स जो है वो बोस्निया में भी शुरू हो गए और बोस्निया के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो है मुसलमानों की थी और उन की जो एथनिक लेंजिंग की गई इस वॉर के अंदर और बहुत मजारिम उनके ऊपर हुए बहुत सारे लोगों को मारा गया डिसप्लेस किया गया लेकिन बॉस्निया जो है वो भी एक आज़ाद कंट्री बन गया इवेंचुअली 1995 में लेकिन बॉस्निया के अंदर दो यानी उसको दो आ, हिस्सों में तकसीम कर दिया गया बिकॉज बहुत बड़ा बड़ी तादाद वहाँ पे मुसलमानों की थी तो जो मुसलमानों का एरिया था उसका नाम फेडरेशन ऑफ बॉसनिया एंड हरजीनिया बन गया और जो जो दूसरा हिस्सा था आ, उसका नाम बन गया आ, Uh, ये रिपब्लिका uh, uh, बड़ा मुश्किल से नाम है स्पर्स का ये यानी कि बोस्निया के अंदर दो हिस्से हैं एक मुसलमानों का हिस्सा जो ये आपको ब्लू के कलर में दिख रहा है और जो रेड कलर में है ये क्रिश्चियंस कैथोलिक्स वगैरह का ये एरिया uh, बन गया सो so, uh, बोस्निया भी इस तरह से uh, अलग हो गया इंडिपेंडेंट हो गया 1995 में उसके बाद जो है वो सरबिया के अंदर एक जंग का सिलसिला शुरू है 1998 में उसके अंदर क्योंकि बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन अल्बानियन एथनीसिटी की रहती थी जो मुसलमान थे सब और कसूबों में रहते थे और आ, वो सर्बिया से अलग होना चाहते थे और आ, यही हुआ कि ये इसका एवंचुअली 2008 में जंगों के बाद और कॉन्फ्लिक्ट के बाद 2008 में ये आज़ाद हो गया कॉसोवो और कॉसोवो एक अलग कंट्री बन गया तो ये आपको इस मैप से मैं दिखा रही हूं कि एक तो कॉसोवो एक ऐसा कंट्री है जहां पर आ, मुस्लिम जो है मेजोरिटी 90% परसेंट थे और वो सर्बिया से उन्होंने जंग करके अपने आप को अलहदा किया उसके अलावा सर्बिया के अंदर अभी भी इस तरह से बहुत सारी ये जो ग्रीन कलर में है ये मुस्लिम आ, 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 कम्युनिटी आपको दिख रही है उसके अलावा जो बॉजनिया हर है उसमें आपको दिख रहा है कि ये ग्रीन कलर और ये जो पैचज़ हैं यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम मेजॉरिटी का ये एरिया है और इसका मैं थोड़ा सा फिगर्स भी आपसे शेयर कर देती हूँ कि कोसोवो में नाइन्टी परसेंट मुस्लिम है ये कोसोवो जिसकी अभी सर्बिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त शुरू हुआ हुआ है इसी तरह िया के अंदर इस पूरे मुल्क में 51% वन परसेंट मुस्लिम है इसी वजह से इसके दो हिस्से बन चुके हैं और बोजनिया जो है वो आ, मुस्लिम हिस्सा है और जो है वो दूसरा हिस्सा वो क्रिश्चियंस का है इसी तरह मैं आपको बताऊं मेसिडोनिया ये जो ये नीचे एक मुल्क है इसके अंदर भी थर्टी थ्री परसेंट मुस्लिम कम्युनिटी रहती है और ये अल्बानिया जो इसके नीचे आपको दिख रहा है इसमें तकरीबन सेवेंटी परसेंट जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ ये मॉन्टीनिगरो है इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी है लेकिन फिर भी नाइनटीन परसेंट इसके अंदर भी मुस्लिम कम्युनिटी रहती है सो ये जो नीचे के तमाम ममालिक हैं इनके अंदर आप देख रहे हो कि मुस्लिम कम्यूनिटी बहुत ज़्यादा रहती है और इसी वजह से ही इन लोगों का जो है बाक़ी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ इंटीग्रेशन भी मुश्किल रही है और इनको बैकवर्ड भी रखा गया है आ, और इनके अंदर तरक्की भी नहीं हुई है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि इनकी ये एथनिकली और रिलीजसली इन लोगों से डिफरेंट थे सो सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट दिस साउथर्न यूरोप योगो पहले इस एरिया का नाम था लेकिन अब इसके अंदर बहुत सारे ममालिक हैं लेकिन uh, मुसलमान दुनिया को इनके बारे में बहुत ज़्यादा लाइक uh, like, uh, आगाह रहना चाहिए बिकॉज ये हमारे ब्रदर मुस्लिम कंट्री यूरोप के अंदर थैंक यू